माँ लक्ष्मी एनक्लेव। जो लोग धमतरी से जरा सा भी ताल्लुक रखते हैं उनको बखूबी मालूम है इस इलाके की कीमत, लेकिन इस पॉश कॉलोनी के फ्लैट नंबर 310 में ऐसा क्या हुआ कि अब तक इलाके के लोगों में दहशत है? आखिर क्या है फ्लैट में मिली महिला की लाश का राज, ये रिपोर्ट देखिए। धमतरी के पॉश इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक घर से संदिग्ध हालत में महिला की लाश मिली। हालांकि अभी ये खुलासा नहीं हो सका है कि महिला की हत्या की गई है या महिला ने खुदकुशी की है। इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस जुट गई है। दरअसल धमतरी के महालक्ष्मी एनक्लेव को शहर का पॉश इलाका माना जाता है। ऐसी कॉलोनी में किसी घर में अचानक लाश मिलना एक बार तो पुलिस को भी चौंका गया। जब कोतवाली पुलिस को महालक्ष्मी एनक्लेव के फ्लैट नंबर 310 में सब कुछ ठीक ठाक नहीं होने की सूचना मिली, आनंद फानंद में कोतवाली थाने का स्टाफ मौके के लिए रवाना हो गया। जैसे ही पुलिस ने फ्लैट का दरवाजा खोला, अंदर एक महिला की लाश संदिग्ध हालत में पड़ी थी। पुलिस की शिनाख्त में महिला की पहचान युक्ता तनेजा के तौर पर की गई है। इसके बाद पुलिस ने फ्लैट को सील कर दिया है। शाम को लगभग 6 बजे सूचना मिली पुलिस स्टेशन को कि युक्ता तनेजा जो महालक्ष्मी एनक्लेव में रहती थी उसकी मृत्यु हो गई है और उसको बठेना में रखा गया है। तत्काल इस सूचना पर थाना प्रभारी और उनकी पूरी टीम गई, वहां पर उन्होंने डायमरसिटी वर्क किया, उसके पश्चात उसको सुरक्षित मर्चरी में रखा गया। अब तक पुलिस की जांच में सामने आया है कि युक्ता तनेजा अपने पति और दो बच्चों के साथ फ्लैट नंबर 310 में रहती थी। पति साल की युक्ता को मॉडलिंग का भी शौक था, लेकिन पुलिस को अब तक ये समझ नहीं आ रहा है कि उसकी मौत आत्महत्या से हुई या फिर किसी ने उसका कत्ल कर दिया। हालांकि पुलिस ने केस की तह तक जाने के लिए आसपास के घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है, जिससे मौत का कोई सुराग हाथ लग सके। आज परिजनों के समक्ष उपस्थिति में, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, फिजिकल एक्सपर्ट की उपस्थिति में उसका पीएम कराया गया है। पीएम रिपोर्ट आने पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी पीएम रिपोर्ट के बाद ही पीएम रिपोर्ट मिलेगा, उसके बाद ही कुछ कहना उचित है, जिसमें पीएम रिपोर्ट का इंतजार किया जाए। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, लेकिन अभी कोई स्पष्ट जानकारी अभी तक नहीं मिली। पुलिस ने पोस्टमार्टम कर शव को परिजनों को सौंप दिया है। अब जांच अधिकारियों की नजर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर टिक गई है, जिससे मौत की स्पष्ट वजह सामने आ सके और आगे की तहकीकात का रास्ता साफ हो सके। हवालात के लिए धमतरी से लोकेश साहू की रिपोर्ट। जब अपने